पुट से कोई इल्माए तेरे जुर्म को कत्ल हुसैन मैं खोल किताब दिखा कोई लाश आई हो रसिया पाए दस के मजहब आता है लाश को हाथ ना मदनी मतलब ये मसला जो बहुत मुद्दे से उठा हूं
उस आदमी की जो पहले दिन की है, उस अंधे रब ने न तो कभी तुम्हें छोड़ा है और न कभी तुमसे नाराज हुआ है। बात क्या थी? कुछ ऐसा वही नहीं है, सही नहीं है। अब जब वही नाराज हो गया तो कब कोई मेरे अपने आदमी हम मेरे दर पर थे, हमारी गाड़ी रास्ते में खराब हो गई थी, हम इनको छोड़ रहे थे, ये ठीक करा के पहुंचती है, इनकी हिम्मत है। तुम्हारे घर में ना कभी तुम्हें छोड़ा। बात ये थी कि कुछ चर्चा रही नहीं है। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, जो मुखालिफीन थे, जो हाथ थे, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि रसूल से मोहम्मद से इसका खुदा नाराज हो गया, उसने तो छोड़ दिया। अब हुजूर बोले कि मायूस हुए, जब मायूस हुए तो वो तो दिलों की जानता है। फौरन उसने जिब्रील को भेजा और ये सूरत भेजी कि मुझे कसम है रात के अंधेरों की, मुझे कसम है दिन की रोशनी की, ना मैं कभी को मैं छोड़ा है, ना मैं कभी तुमसे नाराज हुआ। ये लोग बकवास करते हैं, बल आज बल आज ना तो खैर नकल भूला। और दूसरी बात ये कही कि जो तुम्हारा आने वाला वक्त है वो पहले वक्त से बेहतर वक्त है। आने वाला वक्त पहले वक्त से बेहतर है। क्यों? का जो सीधा का पता लगा कि तुम्हारा रब आंतरिक तुम्हें ऐसी चीज अदा करने वाला है जिससे तू राजी हो जाएगा। तुम्हारा रब आंतरिक तुम्हें कोई ऐसी चीज अदा करने वाला है जिससे तू राजी हो जाएगा। अब यहां तक तो उसको तसल्लियां दे रहा है अपने रसूल को, यहां तक तो उसको मुतमइन कर रहा है, इत्मीनान दिला रहा है, और इसके बाद मिसालें। इसका तर्जमा हमारे भाइयों ने किया हुआ है जब हमने तुम्हें यकीन पाया तो गुम हो, जब मिल जाए तो उर्दू जो है मैं वो जानता जो आने वाला है। तुम्हारे यार समाए तो तुम्हारे रब से न जमीन की तय का कोई जरा छुपा हुआ है, न कोई आसमानों की बुलंदी का कोई जरा छुपा हुआ है। अल्लाह तो सब कुछ जानता है, जो कैसे हो सकता है इसका तर्जमा। अल्लाह ये कहे कि जब हमने तुम्हें यकीन पाया, नहीं अल्लाह ने कहा जब हमने तुम्हें यतीम बनाया, जब हमने तुम्हें यतीम बनाया तो क्या हमने तुम्हें बना नहीं दी? मतलब एक सवाल आपसे करता हूं कि एक शख्स मुझसे यह कहता है कि बेटी साहब मुझे यह कपड़ा चाहिए, ये मुझे कपड़ा दे दीजिए, मैं आपको इसके बदले में कोई कपड़ा दे दूंगा। तो शख्स मुझे कहता है, अब उसने मुझसे कपड़ा ले लिया, मुझसे जब उसने कपड़ा ले लिया, अगर वो आदमी बुलंद किरदार का है तो जब कपड़ा कोई वापस देगा तो ये सोचेगा कि इससे बेहतर कपड़ा दे दे, इससे बेहतर कपड़ा दे। कुछ लोग हैरान बैठे रहते हैं कि इनायत हुसैन ही है, मैं चेहरों पर नजर आता रहता हूं, ये कुरान पढ़। कुछ लोग आए रहते हैं इसलिए कसीदे सुने और वो परेशान होते रहते हैं कि ये करते आ रहा हमारे साथ। भाई मैं बार बार हर पेश कहता हूं कि अब हमें कसीदों की और बंदों की कम जरूरत है, कुरान की ज्यादा जरूरत है। अब अपने जहनों को कुरान सुनने के लिए तैयार करो। जो तुमसे लोग हटाए जाते हैं ना, वो कुरान का हथियार इस्तेमाल करके हटाए जाते हैं। और जब आपको कोई कुरान सुनाता नहीं और जो लोग हमारे भाई तशरीफ लाते हैं आदमी ने हुरिया बनाया हो, सर पे टोपा रखा हुआ हो और फिर वो उसने दाढ़ी छोड़ी हो और ऊपर एक काला कपड़ा पहनो, अब जिससे तुम्हें कहे से नहीं आता है। तो ये मैं आपसे मिजाज दुरुस्त करूंगा अगर मेरी जिंदगी आई अलम जिसका यकीन पड़ा होगा। जब हमने तुम्हें यकीन किया तो क्या हमने तुम्हें बना नहीं दी? अब मौसम शराबत और नजाबत और यहां भी मोहम्मद, दुरूद में भी मोहम्मद, दीवार पर भी या मोहम्मद, मसाजिद में भी या मोहम्मद, हर जगह पर या मोहम्मद। अहमद खुदा ने रखा, मोहम्मद दादा ने रखा, अल्लाह वो कौन था? कहने लगे कि वो था जिब्रील, वो था जिब्रील, वो था जिब्रील। मैंने कहा बिस्मिल्लाह, मैंने तो सिर्फ उनको मोमिन साबित किया है, आपने तो उनको नबी साबित कर दिया। नबी यस्मा का नाम अल्लाह, वो नबी है जो अल्लाह का कलाम सुनता है, वजरल मलाइकतुल्लाह और अल्लाह के फरिश्तों को देख सकता है, तो यालमुल मुगीबात और गायब का इल्म रखता है।